नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज पूरे देश में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। इस महापर्व छठ के अवसर पर महिलाएं अपने परिवार की सुखमय कामना के साथ व्रत रखती हैं और आज रविवार है और इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद के घोसी नगर पंचायत के ऐतिहासिक नरोखर पोखरा पर और हम देख सकते हैं कि सूर्य डूबने में कुछ समय बाकी रह गया है और तमाम व्रती महिलाएं एक लंबा हुजूम व्रती महिलाओं का इस पोखरे पर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि इस पावन पर्व छठ की मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो आज यानी रविवार को ये व्रती महिलाएं जो दिन भर का व्रत रखे हैं ये डूबते सूर्य को अर्घ देंगी और फिर कल सुबह यानी सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देंगी। यहाँ पर कुछ व्रती महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की मान्यता है और क्या है इस पर्व का महत्व। क्या नाम पड़ेगा आपका? बिंदवासिनी चौबे। अच्छा अच्छा, बिंदवासिनी जी, ये क्या मान्यता है इस पर्व की? इस पर्व आदमी इसलिए की औरतें इसलिए करती हैं कि हमारे परिवार के बच्चे, परिवार सभी लोग सुख शांति से रहें, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बहुत सारे कामना लेके आदमी व्रत करता है। पूरा दिन मेरा जल रहता है, शाम को अर्घ देता है सूर्य भगवान को, डूबते सूर्य को, और सुबह में फिर आता है, फिर उगते सूर्य को अपना जल देकर और व्रत खोलता है। कितने साल से व्रत रह रही हैं आप? 18 साल हो गया। 18 साल? हाँ। तो अभी कब तक, कब का भोजन किए हुए हैं आप? परसों का। परसों का। और कब आप व्रत तोड़ेंगे? कल सुबह। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर। इन्होंने कहा है कि परिवार की सुखमय कामना के साथ इन्होंने दिया है और भी यहाँ पर व्रती महिलाओं से। क्या नाम पड़ेगा? रिंकी तिवारी। अच्छा रिंकी जी, छठ का पर्व चल रहा है, व्रत आप भी होंगी? हाँ हम भी हैं। कितने साल से आप व्रत? हम 9 साल से हैं। 9 साल से। क्या मान्यताएं हैं? इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, सुख शांति, परिवार समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, सब कुछ। और एक हमारे धर्म, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है छठ महापर्व, जो हम इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत धूमधाम। बड़ा लंबा टाइम व्रत रखना होता होगा, तकलीफ तो होती होगी? हाँ, 3 दिन से चलता है व्रत। एक दिन आज के पहले हम लोग कल खरना किए, आज बहुत षष्ठी छठ है, बहुत बड़ा वाला आज छठ है और इसका हम लोग 3 दिन मनाते हैं। 3 दिन में महापर्व छठ चलता है। यानी कल उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही आपका व्रत? हाँ हाँ, हम लोग कल सूर्य उगते हुए सूरज के बाद ही हम लोग का व्रत खंडित होगा और हम लोग पानी ग्रहण करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पूजा दुबे है, मेरा यहाँ मायके पड़ता है, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, मैं पिछले 4 साल से ये व्रत कर रही हूँ। ये व्रत छठ का महापर्व हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ये छठ मैया और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और घर परिवार की सुख समृद्धि, बच्चों के स्वास्थ्य की कामना के लिए हम ये व्रत करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हम परिवार के सुखमय कामना के साथ साथ पूरे देश में जन कल्याण की आचना के साथ और हम व्रत का पर्व रखते हैं और हम आगे भी चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन डूबते सूर्य में अब थोड़ा सा समय बाकी रह गया है और महिलाओं का हुजूम पूरी तरह से पूजा अर्चना के लिए तैयार हो। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी नगर के ऐतिहासिक सीताकुंड पोखरे पर और सूर्य डूबने में कुछ ही समय बाकी रह गया है और हम देख रहे हैं इस घाट पर ये व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए तैयार हैं और ये ऐतिहासिक सीताकुंड पोखरी के सुंदरीकरण का कार्य भी पिछले लंबे समय से चल रहा था और ये पूरा जल कुंभी से पटा था, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा ये हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस छठ पर्व पर ये साफ दिख रहा है, कहीं भी जल कुंभी नहीं दिख रही है और इसके लिए नगर पंचायत प्रशासन बधाई का पात्र है और ये
डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और सोमवार की सुबह डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा? शारदा। अच्छा, क्या तैयारियां रही हैं छठ की, कैसे तैयारियां की जाती हैं? छठ पूजा में ऐसे फल हुआ, जैसे प्रसाद, जैसे हुआ बना, जैसे बनना ना, जैसे और दिन भर जैसे सुबह से दिन भर ऐसे रहे, फिर रात बीत जाएगी, फिर सुबह पार्ट हो जाएगी। कितने सालों से व्रत रह रही हैं आप? मैं कम से कम 19 साल से। 19 साल से। और ये कब से व्रत आपने शुरू किया था, कितने दिन पहले शुरू होता है? जैसे शादी के बाद में की थी। नहीं नहीं, जैसे ये छठ का पर्व जो है, आज तो डूबते सूर्य को अर्घ दिया आपने, ये व्रत कब से शुरू हुआ होगा आपका? नहीं, जैसे परसों, जैसे छोटा पर्व, जैसे पर्व होता है, फिर एक बड़ा होता है। अच्छा, जो खरना एक होता है। हाँ, हाँ। फिर ये व्रत आपका कब समाप्त होगा? कल सुबह। कल सुबह हाँ, अर्घ ले लेंगे, जैसे सूर्य भगवान के अर्घ के साथ मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। देखिए, शारदा जी ने बताया कि कल फिर उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही उनका व्रत पूरी तरह समाप्त हो। देखिए, डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद ये व्रती महिलाएं अब अपने अपने घरों को लौट रही हैं और देख रहे हैं कि एक लंबे समय से उस पानी के अंदर खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दे रही थी, अब उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह आएंगी। हमारे साथ एक माता जी, उनसे क्या नाम पड़ेगा? कमलावती गुप्ता। कितने दिन व्रत, ये कई घंटे से? शाम को 4 बजे से आते हैं, सुबह को 4 बजे आते हैं। अच्छा अच्छा, ये व्रत कब टूटेगा आपका? 6 बजे टूटेगा। 6 बजे। अच्छा, यानी फिर सुबह आप लोग फिर आइएगा जी, उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए। हाँ जी। देखिए, ये जिस तरह की छठ पर्व की मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और ये डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद ये व्रती महिलाएं घर को जा रही हैं और फिर आएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? साधना निषाद। अच्छा, ये आपने डूबते सूर्य को अर्घ दिया है ना, फिर उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह के 3 बजे 4 बजे करीब। अच्छा अच्छा, व्रत है? नहीं, व्रत नहीं, हमारी भाभी जी है। अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रत समाप्त किया जाता है जी? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या मान्यता है इस छठ? मतलब जो भी मनोकामना मानता है पूरी हो जाती है, बस श्रद्धा के हिसाब से अपना व्रत रहते हैं लोग, और क्या। देखिए, उन्होंने कहा कि एक मनोकामना जो भी मानी जाती है इस लोक आस्था के महापर्व छठ पर, वो पूरी होती है। और अब देख रहे हैं कि तमाम व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने अपने घरों को जा रही हैं और फिर सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए ये व्रती महिलाएं इकट्ठा होंगी। फिर हम आपको उगते सूर्य के अर्घ देने के समय घोसी लाइव की टीम के साथ फिर यहीं मौजूद रहेंगे। तब तक दिया जाए धन्यवाद। भूखिया प्यास साई रही की।